नमस्कार दोस्तों, फोटो वाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कैमरे के मिररलेस टेक्नोलॉजी के बारे में, जो टेक्नोलॉजी जो आजकल बहुत चर्चे में है। हर एक कैमरा कंपनी अभी मिररलेस टेक्नोलॉजी में घुस चुकी है, उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं और उसमें बहुत ज़्यादा R&D चल रही है। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और जानिए कि मिररलेस टेक्नोलॉजी है क्या है। तो मिररलेस टेक्नोलॉजी पर बात करने से पहले हम थोड़े पीछे जाएंगे पुराने ज़माने में कि कैमरा का रिवोल्यूशन कैसा हुआ है, उसमें क्या क्या बदलाव आते गए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं TLR की। DSLR, मिररलेस, ये सब आने से पहले TLR था। TLR का मतलब रहता है ट्विन लेंस रिफ्लेक्स। अगर आप देखेंगे पुराने कैमरे में तो उसमें कैमरे को दो लेंसेस लगी हुई रहती थी, एक नीचे लेंस रहती थी, एक ऊपर लेंस रहती थी। तो नीचे की जो लेंस है वो हमारी मेन लेंस रहती थी जिस पर रहता था शटर और हमारा कैमरा का फिल्म, और उसके ऊपर जो लेंस रहता था दूसरा वो एज ए व्यू फाइंडर काम करता था। तो TLR यानी कि ट्विन दो लेंस रहते थे इसलिए उसको ट्विन बोलते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो हम व्यू फाइंडर में देखते थे उससे हमारा मेन कंपोजिशन थोड़ा सा अलग आता था, थोड़ा सा वेरी करता था, क्योंकि हमारा जो मेन लेंस है व्यू फाइंडर के लेंस से अलग रहता था, उससे थोड़ा नीचे रहता था, अलग थोड़ा सा एंगल आता था। तो वो हमें एक जजमेंट लेके शूट करना पड़ता था उस ज़माने में कि हमें प्रॉपर कंपोजिशन, एक्चुअल कंपोजिशन कैसा चाहिए। उसके बाद टेक्नोलॉजी थोड़ी आगे गई और फिर आया हमारा SLR, सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। तो उसमें क्या होता था, सिंगल लेंस यानी कि एक ही लेंस हमारी मेन लेंस रहती थी जिससे हमें व्यू फाइंडर में दिखता था और फोटो भी हमारा निकलता था। तो उसका मेन एडवांटेज ये था कि जो हम व्यू फाइंडर में दिख रहे हैं वही कंपोजिशन हमें मिलती थी हमारे मेन लेंस में। तो ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, तो जैसे कि हमारे पहले ट्विन लेंस कैमरा में कैसा था, मेन लेंस से लाइट अंदर आती थी, शटर ओपन होता था और लाइट आगे पास होती थी फिल्म पे और हमारा फोटो निकलता था। लेकिन SLR टेक्नोलॉजी में क्या हो गया, शटर के आगे हमने एक मिरर लगा दिया जिसके वजह से हम व्यू फाइंडर में वो हमारी इमेज देख पाते थे। तो मेन लाइट अंदर आती थी, वो मिरर पर रिफ्लेक्ट होती थी, ऊपर आती थी और ऊपर के साइड में एक पेंटा प्रिज्म लगा रहता था, उससे लाइट रोटेट होके रिफ्लेक्ट होके पूरी हमारे व्यू फाइंडर में दिखाई देती थी हमारे आँख पे। तो जब भी हम शटर बटन प्रेस करते थे तो होता ये था कि वो मिरर ऊपर जाता था, उसके बाद शटर खुलता था और लाइट आगे हमारे सेंसर पे गिरती थी और हमारा मेन फोटो निकलता था। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये था कि जब हम शटर बटन प्रेस करते थे तो हमें दिखाई नहीं देता था कि हम क्या फ़ोटो खींच रहे हैं। वो उतने सेकंड के लिए, उतने ड्यूरेशन के लिए जो हमारा शटर स्पीड रहेगा उतने लिए व्यू फाइंडर हमारा ब्लैंक हो जाता है क्योंकि हमारा मेन मिरर ऊपर हो जाता है। तो ये सेम टेक्नोलॉजी आगे और डेवलप हो गई जिसमें हमारे कैमरे के पीछे जो रोल लगता था, फिल्म लगती थी, उसको हटा के हमने एक डिजिटल सेंसर लगा दिया और वो टेक्नोलॉजी बन गई DSLR, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। बाकी फ़ोटो निकालने का पूरा मैकेनिज्म वही था, सिर्फ मैकेनिकल पार्ट जाके वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए और वो डिजिटल बन गया। लेकिन इसमें हमारा एक हो गया कि कैमरे का साइज़ बढ़ गया और उसका वेट भी बढ़ गया। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि आप सोचते हो कि आपने मिररलेस कैमरा कभी यूज़ नहीं किया है क्या, तो जी बिल्कुल नहीं, मिररलेस कैमराज आपने यूज़ किया है। हमारे मोबाइल फ़ोन में जो कैमराज रहते हैं वो मिररलेस ही रहते हैं, जो हमारे पॉइंट एंड शूट निकॉन के कुलपिक्स वगैरह जो आते हैं वो जो कैमराज हैं वो मिररलेस कैमराज ही रहते हैं। तो आइए बात करते हैं कि मिररलेस कैमरा कैसे काम करता है। ये पॉसिबल हो सका है हमारे डिजिटलाइजेशन के वजह से, हमारे कैमराज डिजिटल हो गए उसी के वजह से मिररलेस टेक्नोलॉजी पॉसिबल हो गई है। हम जो हमारे SLR में जो वीडियोस निकालते हैं या फिर आप लाइव व्यू जो दिखते हैं SLR में वो भी हमारे 100% मिररलेस टेक्नोलॉजी पर ही काम करते हैं। मिररलेस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो हमारे व्यू फाइंडर में देखने के लिए जो मिरर लगा रहता है SLR में उसको हमने हटा दिया और पुराने ज़माने की तरह हमने सिर्फ शटर और सेंसर ही रखा। तो लाइट अंदर आता है, शटर ओपन होता है और लाइट सेंसर पे गिरता है। लेकिन आप बोलोगे इसमें तो व्यू फाइंडर है वो कैसे काम करता है, तो इस टेक्नोलॉजी में हमारा शटर कंटिन्यूसली ओपन रहता है जैसे कि हम लाइव व्यू फाइंडर में देखते हैं। और ये जो
व्यू फाइंडर रहते हैं मिररलेस में, इसे हम लोग कहते हैं डिजिटल व्यू फाइंडर। जो हमारा व्यू फाइंडर रहता है वो कांच का बना हुआ नहीं रहता है, वो एक छोटी सी स्क्रीन रहती है। तो लाइट अंदर आती है, शटर पास करके वो सेंसर पे गिरती है और वो सेंसर से डेटा लेके हमें व्यू फाइंडर में दिखाई देता है कि क्या है और क्या नहीं, आपका कंपोजिशन एक्सपोजर्स क्या है क्या नहीं। वो मैकेनिकल नहीं रहा अभी, वो एक छोटा सा स्क्रीन बन गया है, डिजिटल स्क्रीन। तो DSLRs में जो टेक्नोलॉजी थी मिरर की, मिरर से हमें रिफ्लेक्ट होके दिखाई देता था, वो वाला पूरा कंपोनेंट यहाँ पे निकाल दिया गया है। इसलिए ये मिरर नहीं हटाया गया है, इसलिए इस टेक्नोलॉजी को हम लोग कहते हैं मिररलेस टेक्नोलॉजी। तो इसका एडवांटेज ये है कि हमें लाइट वेट कैमरेज मिल गए, कैमरे की साइज छोटी हो गई है, लेंस और सेंसर के बीच का डिस्टेंस कम हो गया है वो मिरर के वजह से, तो अच्छी इमेज क्वालिटी मिलने लगी है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, हमें व्यू फाइंडर में ही मालूम पड़ता है कि हमारा एक्सपोजर क्या आने वाला है, फाइनल फोटो हमें कैसे मिलने वाला है, जो कि हमें DSLR में मालूम नहीं पड़ता था। तो सोचिए दोस्तों, जब ट्विन लेंस के थे तब हमें कंपोजिशन मालूम नहीं पड़ता था, थोड़ा सा हल्का फर्क पड़ता था कंपोजिशंस में, तो उसका कन्वर्जन हो गया SLR में, एक ही लेंस रखा, लेकिन हमें उसमें फाइनल एक्सपोजर मालूम नहीं पड़ता था। जो सामने से लाइट आ रही है वैसे की वैसे ही हमें दिखाई देती थी, हम शटर स्पीड, अपर्चर, ISO चेंज कर रहे हैं, उससे हमें मालूम नहीं पड़ता था व्यू कि हमारा फाइनल फोटो में एक्सपोजर क्या रहने वाला है, वो हमें एक्सपोजर मीटर पे ही देख के करना पड़ता था। लेकिन मिररलेस टेक्नोलॉजी में हमें वो भी मालूम पड़ता है कि हमारा फाइनल एक्सपोजर भी क्या रहने वाला है सेटिंग्स चेंज करने के बाद, उसी तरह से हमारे व्यू फाइंडर में भी एक्सपोजर्स चेंज होते रहते हैं। और उसी के साथ साथ और भी एडिशनल टेक्नोलॉजीज आ गई है मिररलेस में, कंटिन्यूस फोकसिंग ट्रैकिंग आ गया है, फेस ट्रैकिंग आ गया है, सिर्फ आई पे ट्रैकिंग करना है वो आ गया है, और बहुत सारी टच स्क्रीन्स वगैरह, ये सब टेक्नोलॉजी आती गई है। तो मेरे ख्याल से ये एक रिवॉल्यूशनरी चेंज है, हम सबको मिररलेस ट्राई करना चाहिए, एटलीस्ट एक बार यूज़ करते हैं। अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग रिजल्ट्स है, तो कंपनीज़ अगर नए कैमराज ला रही है तो कुछ ना कुछ बात ज़रूर रहेगी मिररलेस टेक्नोलॉजी में, कुछ ना कुछ तो होप्स एंड स्कोप्स तो रहेगा टेक्नोलॉजी में। तो अगर आपको पॉसिबल है तो मिररलेस पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मिररलेस के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, नए नए गैजेट्स आते रहते हैं, उसके कुछ ना कुछ फ़ायदे भी रहते हैं और कुछ नुकसान भी रहते हैं। तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि मिररलेस टेक्नोलॉजी के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक दबाइए, और हाँ, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।